वेलकम टू मॉलिक्यूल लेक्चर ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेल्स इन्वॉल्व इन इट। प्रीवियस दो वीडियोस मैं बना चुका हूँ इम्यूनोलॉजी पे, एक तो इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दूसरी इनेट इम्यूनिटी और उसके जो फैक्टर्स और बैरियर्स थे उसके बारे में। वो दोनों अगर वीडियो आपने मिस की हैं तो उसकी हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और लगे हाथ बेल आइकन को भी दबा दिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी देख लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या। इट फॉर्म्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है हमारा वो इननेट इम्यूनिटी होती है, ये हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक और अडेप्टिव इम्यूनिटी, विच इज केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड सिलेक्टिवली एलिमिनेटिंग स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट्स। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसको स्पेसिफिक और अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है और सिलेक्टिवली एलिमिनेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्षमता होती है डिस्क्रिमिनेट करने की, कि अब जो यूजफुल माइक्रोब्स पाए जाते हैं हम लोग के गट्स में, जैसे ई कोलाई है, तो उससे ये जो बाकी जो हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। और ये सिलेक्टिवली एलिमिनेट करती है, यानी कि ये सिर्फ उसी को एलिमिनेट करेगी जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और जो फॉरेन एजेंट्स होंगे। इट कम्स इनटू प्ले व्हेन एंटीजन इन्वेडेड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी। मैंने बताया था, जैसे ही देखिए ये हमारा पास, हमने कहा ये एक घर था, इस घर में ये एक रूम था। अब ये घर के जो गेट था, यहाँ पे गेट था, ये जो था हमारा गेट था, इस गेट के बाहर हमने क्या किए, हमने कुछ जो गार्ड्स थे वो खड़े किए और कुछ गार्ड जो थे हमने रूम के पास खड़े किए। अब अगर कोई बाहर से, मानिए कोई चोर वोर आएगा, तो वो पहले यहाँ पे जो गेट पे गार्ड्स हैं उनसे पहले मिलेगा, उनसे निपटेगा। तो ये जो बना रहे थे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। अब अगर ये जो चोर आया है इनको मार के किसी भी तरीके से अंदर घुस आता है, तो वो अब जो मिलेगा वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि हमारे जो याले गार्ड्स हैं जो रूम के पास हैं उनसे मिलेगा। तो ऐसे ही हमारी ये काम करती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो इननेट इम्यूनिटी को अगर वो इन्वेट कराएंगे तब ये हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, काम करती है। इट डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड लास्ट फॉर द होल लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जिंदगी में ही हम लोग डेवलप करते हैं और हमारी पूरी जिंदगी के लिए रह जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास मेमोरी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास मेमोरी होती है, जिससे वो स्टोर कर लेती है किसी भी एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल्स के इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं, क्या ऐसे कैरेक्टर हैं जो इसको खास बनाता है। पहला है एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट एंटीजन्स। अलग अलग एंटीजन्स के को ये डिफरेंशिएट कर सकती है, मानिए कुछ यूजफुल है, ई कोलाई यूजफुल अगर बैक्टीरिया है तो उससे ये डिफरेंशिएट कर लेगी हमारे टाइफाइड बैक्टीरिया को। तो ये इसकी एबिलिटी होती है कि डिस्क्रिमिनेट अमंग द डिफरेंट एंटीजन, अलग अलग जो एंटीजन है उनको पहचानना और उनको अलग करना। इट हैज मेमोरी दैट सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम एंटीजन इंड्यूस हाई इम्यून रिस्पॉन्स एंड लार्जर रिस्पॉन्स। हाई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है और वो लार्जर रिस्पॉन्स होता है। मतलब कहने का है इसके पास मेमोरी स्टोर हो गई तो इसने क्या किया, हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से मिल लेते हैं, जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बींग हैं, हम किसी से मिलते हैं, जैसे कोई हम ये घर में रहते हैं, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे कोई आदमी आता है हमसे मिलने, तो वो अगर आदमी आया तो हम उसके बारे में पहचान लेते हैं, उसके नाम पूछ लेंगे, उसकी शक्ल देख लेंगे तो हमें याद रहेगा ये आदमी आया था। वैसे ही ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब अगर ये हम मानिए कोई चोर था, पहली दफा आएगा तो चोरी कर ले जाएगा, अब यही दूसरी दफा आएगा तो हम इसको पहचान लेंगे और इसकी एक्टिविटी हम जानते हैं, तो अब जो होगा हम इसको एक्शन लेने नहीं देंगे और अपनी तरफ से हाई रिस्पॉन्स देंगे। तो यही चीज एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी होती है कि वो सेकेंड एनकाउंटर जो होता है उसमें हाई इम्यून रिस्पॉन्स देता है। इट रिस्पॉन्ड ओनली टू फॉरेन पार्टिकल्स, ये सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स पे ही रिस्पॉन्स करती है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है।
क्यों? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में ही कुछ जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उन्हीं पे ही अगर ये अटैक कर देगी तो सही नहीं है ना, तो ये सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स पे ही अटैक करती है। इट हैज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड डिफरेंट एंटीजन इवन इफ दे हैव नॉट प्रीवियसली इनकाउंटर। अब इसमें ये जो इसकी बात है ये बहुत खासियत है इसकी। क्यों? क्योंकि अब नए नए जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं हम उनसे कभी तो पहले मिले नहीं है, वो बैक्टीरिया वायरस जब हमारे बॉडी में पहली दफा आते हैं तब भी ये उनसे क्या करती है, डिफेंड करती है, उनके खिलाफ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसका काम होता है। अगर वो पहले ना भी आया हो तब भी ये उसके खिलाफ डिफेंड करेगी, क्योंकि ये सीख लेती है किसी भी एंटीजन के खिलाफ। टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स देख लेते हैं। अब दो तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। एट दिस पॉइंट इम्यून सिस्टम लर्न टू रिकॉग्नाइज दैट एंटीजन एंड हाउ टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट एंड प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स। इस दौरान क्या हुआ, ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है इसमें हमारा जो एंटीजन होता है वो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है सॉरी, वो पहली दफा किसी एंटीजन से मिलता है, मुलाकात करता है और उसको पहचानता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू द सेम पैथोजन फॉर द सेकेंड टाइम और सो ऑन। एट दिस पॉइंट इम्यून सिस्टम हैज मेमोरी फॉर दैट एंटीजन एंड स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज इमीडिएटली। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो किसी पैथोजन से दोबारा मिले या तिबारा या जितनी बार भी मिले, पहले के अलावा जब भी मिलेगा तो वो हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इस दौरान हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम होता है उसके पास मेमोरी होती है, जिससे वो इमिजिएटली क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाने लगती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ये लो इंटेंसिटी का होता है और रिस्पॉन्स बहुत स्लोली करता है। ये जो होता है हमारा सेकेंडरी, ये बहुत रैपिड होता है, हमारा हाई इंटेंसिटी का होता है और रिस्पॉन्स रैपिडली करता है। ये जो होता है स्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजीज हो जाती है। बट इस केस में क्या होता है, ये बहुत फास्ट होता है, जिससे ये देखते ही उस एंटीजन को एलिमिनेट कर देता है और डिजीज नहीं होती है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में डिजीज नहीं होती, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में डिजीज हो जाती, क्योंकि यहाँ पे स्लो ये रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारा घर था, अब इस ये घर में हम रह रहे थे, तो यहाँ पे ये हम थे, ये गेट था हमारा। अब यहाँ से कोई बाहर से कोई मानी कोई आदमी आया, मानी चोरी था कुछ भी था, तो ये जब आया तो हमारे घर पे इसने खटखटाया। जब खटखटाया तो हम निकल के आए, हमने देखा इसको, हम पहचानते नहीं थे इसके बाद, तो हमने इससे पूछा भैया कौन हो तुम, क्या काम है, इसका नाम पूछा, ये सब पूछा, इसको पहचान लिया हमने। तो यहाँ पे क्या था, हमने प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है पहली दफा किसी से मिलता है उसको पहचानता है, उसके बाद उसके खिलाफ तैयारी करता है। तो यहाँ पे हम उससे पहली दफा मिलेंगे तो उससे नाम वाम पूछेंगे, इसको उसको पहचान लेंगे कि भैया ये चोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई काम नहीं है, यूं ही आया है ये। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स था बहुत स्लो था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पहले उसके बारे में पता करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, अब ये फिर से हमारा घर था, ये डोर था हमारा, यहाँ पे हम थे। अब अगर यही जो सेम पर्सन था वो दोबारा अगर आएगा, खटखटाएगा दरवाजा हमारा, अब हम फिर निकल के आए तो अब हम देखते हैं इसको पहचान जाएंगे, क्यों? क्योंकि इससे हम पहली दफा मिल चुके हैं, हम इसका नाम जानते हैं, ये क्या करने आया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपना बहुत फास्ट एक्शन लेंगे, रैपिड एक्शन लेंगे, जिससे हम इसको मना कर देंगे, भैया कोई नहीं है, जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या था, हमने इमिजिएटली दिया रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्लो दिया, इसके बारे में पता कर रहे थे। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम पहले उसके बारे में पहचानता है, उसको पहचानता है, उसके बारे में जानता है, उसके बाद एंटीबॉडीज बनाता है। इस केस में क्या होता है, ये जानता, इसमें ये पहले से ही जानता है उसके बारे में। तो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में
वो रैपिडली एंटीबॉडीज बनाने लगता है और फॉरन एक्शन लेता है। तो ये थे हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देख लेते हैं। दो तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज इंड्यूस्ड बाय द एक्सपोजर टू एन एंटीजन। इन दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी अ पर्सन डेवलप्स हिज ओन इम्यून रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एंटीजन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एंटीजन हमारे बॉडी में अगर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो खुद की एंटीबॉडीज बनाता है किसी फॉरेन एंटीजन के खिलाफ। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडीज ट्रांसफर करते हैं। इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स फ्रॉम एन इम्यून टू नॉन इम्यून इंडिविजुअल। बनी बनाई एंटीबॉडीज जो एक इम्यून पर्सन से, यानी कि जिसमें वो एंटीजन आ चुका है तो एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी, तो वही एंटीबॉडीज हम लेके दूसरे इंडिविजुअल में डाल देते हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी जो होती है वो पैसिव होती है। अब एक्टिव भी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होती है, एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। अब कोई इन्फेक्शन होता है तो ये नेचुरली, कोई नेचुरली हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो उस केस में हमारी बॉडी खुद ही बनाएगी एंटीबॉडीज और ये जो प्रोसेस होगा पूरा नेचुरल होगा। तो ये थी हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन प्रिपरेशन वैक्सीन। अब कोई हमने नॉन वायलेंट जो हमारा कोई एंटीजन था, नॉन वायलेंट एंटीजन वायरस बैक्टीरिया कोई भी था, उसकी वैक्सीन बनाई और वो वैक्सीन हमने क्या की किसी इंडिविजुअल में डाली तो वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा। अब इस केस में क्या था, हमने आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया है वैक्सीन के थ्रू, तो ये केस में हमारी ये थी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। बट इन दोनों अगर देखा जाए तो ये नेचुरली ही प्रोड्यूस कर रही है हमारी खुद की बॉडी। पैसिव जो होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर थ्रू लैक्टेशन। अब लैक्टेशन के दौरान जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, जो कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडीज IgA पाई जाती है वो मदर टू चाइल्ड जाती है, तो वो क्या था हमारा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली जाती है। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मेडिसिन, दैट इज एंटीबॉडी वैक्सीन्स। अब जो वैक्सीन्स के थ्रू जब एंटीबॉडी रिसीव करते हैं हम, तो ये हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा टिटनेस इंजेक्शन। जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है उसके अंदर एंटीबॉडी प्रिपरेशन वैक्सीन्स होती हैं, जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत रैपिडली वो एक्शन दिखाती हैं। तो ये थी हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज देख लेते हैं। दो तरीके की होती हैं, एक बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एक टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बी सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंटीबॉडीज। यहाँ पे बी सेल जो होती हैं वो एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं और ये भी स्पेसिफिसिटी होती है इनमें अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस और इनके पास मेमोरी होती है जिससे कि याद रखते हैं जो प्रीवियस एक्सपोजर हुआ था। टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ एंटीबॉडीज नहीं सीक्रेट करता बट ये अलग अलग साइटोकाइंस सीक्रेट करता है जो वायरस इन्फेक्टेड या इन्फेक्टेड सेल से प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी को बचाते हैं। क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो इफेक्टिव तभी होती हैं जब कोई भी एंटीजन हमारे सेल के बाहर, जब हम कोई भी एंटीजन हमारे सेल के अंदर चला जाता है तो जो बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो इनएफेक्टिव हो जाती है। तो इस केस में हमारा टी सेल मदद करता है। इट ऑल्सो एक्सिबिट एस स्पेसिफिसिटी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस एंड हैज नो मेमोरी। अब ये भी स्पेसिफिक होती है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए और इसके पास भी मेमोरी होती है जिससे ये याद रख देती है। तो ये थे हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
नेक्स्ट वीडियो में हम बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और इनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके बारे में हम लॉन्ग में डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।